हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके मेरे प्यारे से चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने निकाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करें हम वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2020 है, ये जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने निकाला है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये जो आपके जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उन्हें फिल करने के लिए वॉक इन इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा, यहाँ पे कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली जाना है और वहां पे बस वॉक इन इंटरव्यू देना है। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इन्होंने मेंशन किया द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस। तो इन्होंने सबसे पहले मेंशन कर दिया है कि ये जो पोस्ट है ये टेम्परेरी रहेंगी, ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है, एक टाइप का गेस्ट फैकल्टी टाइप पोस्ट रहेंगी एज मेंशन्ड अगेंस्ट ईच डिपार्टमेंट और सेंटर और इंस्टीट्यूट। ओके, तो इन्होंने क्या किया, जितनी भी पोस्टें हैं उन सबको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में निकाला है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, जो डेट और टाइम है जो वॉक इन इंटरव्यू का वो भी मेंशन किया है। और साथ ही साथ इन्होंने वेन्यू भी बता रखा है पहले से ही कि आपका जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो कहाँ पे लिया जाएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं, नेम और डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट उन्होंने 4 बताई है। वही जो डेट एंड टाइम है वो 1 सितंबर 2020 को 2 बजे है। और जो वेन्यू दे रखा है वो कमिटी रूम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी साउथ कैंपस PU सेक्टर 25 चंडीगढ़। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि बहुत से डिपार्टमेंट है, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स हो गया, एंशियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, फिजिक्स, डिफेंस स्टडीज, लॉज, ऐसे करके इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट निकाले हैं। और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो ईच डिपार्टमेंट में इन्होंने बताई है। अगर एग्जाम्पल ले ले बायोकेमिस्ट्री का, तो बायोकेमिस्ट्री में 1 पोस्ट है और जो इसका इंटरव्यू होगा जो कि वॉक इन होगा वो 7 सितंबर 2020 को होगा 2 PM पे। इसके साथ देखिए, देख सकते हैं आप, इसमें वेन्यू भी दिए रखा है, कमिटी रूम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी साउथ कैंपस PU सेक्टर 25 चंडीगढ़। तो आप अगर इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप इनमें किसी भी पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो इन्होंने देखिए मेंशन किया था, पोस्ट कैरी द बेसिक पे प्लस अदर अलाउंस एडमिसेबल एज पर यूनिवर्सिटी रूल। तो यूनिवर्सिटी रूल्स में जितना भी आपका एमोलूमेंट्स बनेगा वो यूनिवर्सिटी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। क्वालिफिकेशन डिटेल इंस्ट्रक्शन आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अगर आप www.puhgsd.ac.in पे क्लिक करके आप जो है और डिटेल इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। अब देखिए, इन्होंने कुछ फी भी दे रखी, जैसे अटेंड इंटरव्यू विद एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाना है और वहां से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको अपनी बायो डाटा की 2 कॉपीज लगानी है और साथ ही साथ आपको पे करना है कुछ एप्लीकेशन फी, जैसे 375 जो एप्लीकेशन फी है जनरल कैटेगरी, OBC और EWS कैटेगरी के लिए, वही 150 जो फी है इसकी SC ST के लिए, और जो 185 फी है वो है फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड। ओके, तो 150 SC ST एंड 185 फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग के लिए। और जो जनरल और EWS या OBC से बिलोंग करते हैं उनको जो एप्लीकेशन फी वो 375 पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और आपको 2 कॉपीज लगानी है अपनी बायोडाटा की, और आपको ये सब ले जाके आपको अटेस्ट भी करना पड़ेगा आपकी जितनी भी टेस्टिमोनियल्स हैं, चाहे वो 10, 12, BSc, MSc जो भी आपकी डिग्री है उसे अटेस्ट भी करिएगा। और साथ ही साथ सर्टिफिकेट और डिग्री भी आपको ले जाना पड़ेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना पड़ेगा, अपना एप्लीकेशन फॉर्म, साथ ही साथ आपके अटेस्टेड फोटो कॉपी, जो टेस्टिमोनियल, सर्टिफिकेट और डिग्री, ये सब चीजें आपको ले जानी है। साथ ही साथ बायोडाटा को भी आपको ले जाना पड़ेगा जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें उन्होंने ऑल मेंशन कर रखा है कि आपको शेड्यूल टाइम जो दे रखा है उससे 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा। इसके बाद अब हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो अगर क्वालिफिकेशन हम देखें तो क्वालिफिकेशन में देखिए, अगर हम बात करें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, चलिए हम कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट एक ले लेते हैं। अगर हम बात करें, स्क्रॉल डाउन करते हैं, या आपको यहाँ पे जितने भी जिस सब्जेक्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के लिए आपको जो है वो पूरी एलिजिबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो
या जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ आप, वो पोस्ट जो है वो इजिली फिल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री, यानी जो बायोकेमिस्ट्री की जो पोस्ट निकाली है या जो वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, तो देखिए, अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपको बायोकेमिस्ट्री में आपकी डिग्री होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए, और आपके 55% मार्क्स भी होने चाहिए। इसके साथ ही साथ आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए प्लांट बायोकेमिस्ट्री में, या मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी में, या टॉक्सिकोलॉजी या मॉलिकुलर जेनेटिक्स में। तो आपकी एमएससी तो होनी ही चाहिए बायोकेमिस्ट्री में, साथ ही साथ आपका स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए। ठीक है, अगर दूसरा हम लोग देखे तो इन्होंने बोला कि अगर आपका ने कोई भी यूजीसी या सीएसआईआर जो नेट है वो आपका क्रैक होना जरूरी है। ठीक है, तो एमएससी विद 55% मार्क्स विद बायोकेमिस्ट्री, एंड अलोंग विद दैट यू हैव टू आल्सो चूज, और वी कैन से यू कैन आल्सो हैव टू क्रैक यूजीसी और सीएसआईआर नेट। ठीक है, तो सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट जो कि मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ छूट दे रखी है पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए, जिनका जो एडमिशन है या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया था 11 जुलाई 2019, तो इस केस में क्या हो गया, उनको एनेट या स्लेट या सेट होना जरूरी नहीं है, तो वो उन्हें एग्जेम्पशन मिलेगा। वहीं इसके साथ ही साथ अगर हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, तो अगर आपने पीएचडी फॉरेन से की है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो टॉप 500 में होना चाहिए, और जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो की है वो है QS PhD, तो इन रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपका जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 500 यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, तभी जाके आपको यहाँ पे सिलेक्शन आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्होंने बोला है कुछ एकेडमिक स्कोर एज स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स 2 फॉर यूनिवर्सिटी शैल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू ओनली एंड सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ओनली ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। तो इन्होंने बोला है जो भी आपका जो सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताया, अगर आप बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, इसके नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप फॉर्म आपको फिलअप करना है, ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको आपकी टेस्टिमोनियल्स या डिग्री या जो भी आपका है वो सब लेके आपको वेन्यू पे पहुंचना है, और फिर वहां पे आपको जो है वो इंटरव्यू देना है। ये तो ये आपको फॉर्म जो है वो सारा फिलअप करना पड़ेगा, इसमें इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स दे रखे हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आपके कोई पेपर भी पब्लिश है, चाहे रिसर्च पेपर हो चाहे बुक चैप्टर हो, तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इन सबको मिला के वो आई थिंक एपीआई इंडेक्स बनाएंगे, और उस एपीआई इंडेक्स की बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, और बाद में आपका जो इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस होता है तो उसकी बेस पे वो आपको सेलेक्ट करेंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है वो कितनी है, और कौन कौन सब्जेक्ट में, और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, और आपको वो कैसे जो है आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।